Hi friends, welcome back to my channel. How are you all? Hope you all are doing good. Today is a weekend here in Dubai. तो आज वीकेंड था तो सुबह सुबह हम लोग बाहर निकले मॉल के लिए. कुछ काम था, बेसिकली कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो इसके लिए हम लोग बाहर गए. और ये रही मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन्स. इतनी पसंद है मुझे, इतनी पसंद है कि कोई भी मॉल हो अगर मुझे टिम हॉर्टन्स दिखे तो बस मुझे ये आइस्ड कैपेचिनो लेना ही लेना है. बगैर इसके मैं हिल नहीं सकती मॉल में. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एडिक्शन. इसकी तो सख्त ज़रूरत होती है मुझे. तो इसी तरह ये रहा मेरा आइस कैपेचिनो. एंड इस तरह हम लोग फिर मैं निकल गई शॉपिंग के लिए. थोड़ा मुझे थोड़ा बस बेसिकली वो आगे बताऊंगी मैं आपको मैंने क्या शॉपिंग किया है. तो वो चार सेट चाहिए था और कुछ और काम था तो हम लोग बस वही सुबह सुबह इस काम के लिए निकल गए थे. बेसिकली हम लोग सुबह ही निकल गए थे बिकॉज सुबह कोई इतने नोबडी इज़ देयर इन द मॉल. सो खाली खाली एंड इट इज़ विद द बेबी. जहाँ पर वो इधर उधर भागता है ना तो इट्स बेटर टाइम इन द मॉर्निंग टू गो टू द मॉल. और ये जो मैं बता रही हूँ आपको ये हमारा पुराना घर है. ये वाला जो अल मदीना लिखा हुआ है ना, इस बिल्डिंग में रहा करते थे हम लोग पहले जब दुबई आए थे स्टूडियो में. तो दैट वॉज आवर बिल्डिंग. दिस इज़ सम दिस इज़ द एरिया विच इज़ बीन डेवलप्ड. अभी उधर मेट्रो वगैरह आ रही है सो इट्स बीन कम्प्लीटली चेंज्ड फ्रॉम द टाइम वी वर देयर टू नाउ. देयर इज़ ऑल दैट मेट्रो कमिंग अप एंड वो एरिया बहुत अच्छा हो गया है. सो आई मिस दैट एरिया बट आई लव माई करेंट एरिया एज वेल. तो उधर जैसे पास हुए हम लोग तो बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई. जैसे मैं काम पे जाती थी एंड फिर मॉल पास में था तो अब तो ऐसे एरिया में जहाँ पर कुछ है ही नहीं. बट होएगा, होगा अपने टाइम पे. सो दिस इज इट. अभी बिरयानी बना रही हूँ माय डे रिचुअल. एंड अब प्याज भून के टमाटर काट लिया है मैंने. बेबी सो गया है तो अभी 1:30 हो रहा है. आई डोंट नो व्हेन विल इट बी प्रिपेयर्ड होपफुली. बहुत भूख लगी है. सुबह में भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया. इस फटाफट शॉपिंग करके अच्छा मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग किया. बेसिकली हम लोग इसके लिए गए थे. आई वॉन्टेड जार सेट क्योंकि हम मेरा जो नमक वाला जो ये देख रहे हो ना, देखो ये बिल्कुल टूट गया है. ओके सो दैट्स द रीज़न मुझे चाहिए था कुछ. तो ये ऑफर में था, ये 19 दिरहम्स का था होम बॉक्स से. सो आई जस्ट टुक दिस. तो इसके लिए मैं गए थे और फिर मेरे बिट्टू जो है ना बिट्टू के लिए बस ये बिस्किट एंड थोड़ा वॉलनट्स. और मुझे बहुत भूख लग रही है तो इन बिटवीन आई एम मंचिंग दिस. आई नो सो दिस इज़ द शॉपिंग. फटाफट हम लोग बस ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते बिकॉज ऑफ कोरोना. तो बस जल्दी फटाफट जाके आगे अब बिरयानी बना रही हूँ. होपफुली 45 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाए. बहुत भूख लग रही है. चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ. चिकन मैंने अभी मैरिनेट करके रखा है तो जस्ट कैप्चर फॉर लाइक 15-20 मिनट्स एंड फिर ये प्याज भूनने तक मैं वो मैरिनेट कर लूँगी. चलिए फ्रिज में रख दिया है एंड बस ये प्याज होते ही उसको फ्राई करूँगी और टमाटर वगैरह डाल के मसाला बना के फटाफट ये यम्मी सभी लें. ये बिरयानी रेडी हो गई है. फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ट्राई चिकन टिक्का बिरयानी. देखते हैं कैसे बना है. होपफुली इट टर्न आउट गुड बट बहुत मेस्ड अप है सिचुएशन.
वो बैठ के उधर तरबूज खा रहा है, वाटरमेलन। मैं खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। गोइंग आउट फॉर इवनिंग वॉक बेसिकली, प्ले एरिया जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ हुआ है, टॉयज छोड़ ही नहीं रहा है। जस्ट टेलिंग हिम टू लीव द टॉयज एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू लीव द टॉयज। तो देखिए रेयान सी है, रेयान ओके, रेयान सी है बेबी, इज जस्ट टू एक्साइटेड। तो अभी इधर थोड़ी देर वॉकिंग करेंगे एंड देन विल मूव टू द प्ले एरिया। अभी जाके डिनर भी बनाना है मुझे, तो सोच रही हूँ मटन ब्लैक पेपर एंड मलाबार परोठा बना दूँ, तो देखते हैं क्या होता है। इधर डीप रोस्ट करके रख दिया है मटन को, इधर थोड़ी देर मैं वॉकिंग करूँगी एंड इवनिंग पे शाम पे, एक्चुअली यूजुअली मैं शाम पे आती हूँ आफ्टर लाइक अराउंड 6:30। आज वीडियो रिकॉर्डिंग करना था 6:30, मतलब लाइट नहीं होएगा, तो इसीलिए मैं अभी जल्दी आ गई थी एंड दैट वुड बी द प्ले एरिया। उधर जाओ जा रहे हैं, एंट्रेंस टू द प्ले एरिया। सो अभी थोड़ा इधर टहल के एंड देन आई विल गो। ही इज हियर हैविंग हिज गाला टाइम। भी यूजुअली मॉर्निंग पे भी जाती हूँ मैं वॉक पे, द प्रॉब्लम इज दैट कि ये सांप मुझे उठने नहीं देते, जैसे मैं उठ जाती हूँ ये भी उठने लगते हैं। तो अभी रूटीन, बैक टू रूटीन आना पड़ेगा। एंड ओके वो जो है ना वो एंट्रेंस जो देख रहे हैं वो प्ले एरिया का एंट्रेंस। अभी इधर थोड़ी वॉकिंग करके एंड देन विल गो इन देयर। उधर का भी व्यू मैं आपको बता दूँगी।